हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मेरे लिए मॉर्निंग है। मे बी ये जो वीडियो है आपको इवनिंग तक मिले, तो आप लोगों के लिए गुड इवनिंग, लेकिन मेरे लिए फिलहाल मॉर्निंग है। तो आज है करवा चौथ का नेक्स्ट डे, यानी कि 18 तारीख, और इस समय मॉर्निंग का बज रहा है 6:30। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू अदर एक्सपीरियंस जो मुझसे लोग बोलते हैं या मेल करते हैं, कि सुगम जब भी कोई फेस्टिवल होता है, वो चाहे दिवाली हो, करवा चौथ हो, कहीं ना कहीं हम डाइटिंग नहीं कर पाते। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम डाइटिंग नहीं कर पाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डाइटिंग करते करते कहीं ना कहीं आपका पेट जो है उतना ज़्यादा वैसी चीज़ों को डाइजेशन करने के लेवल में नहीं रहता है, जो कि सही नहीं है। मीन सही नहीं है क्या, क्योंकि जब हम फेस्टिवल्स में कुछ भी खाते पीते हैं तो हम डाइजेशन नहीं कर पाते, जिससे कि नेक्स्ट डे में बहुत उलझन होती है, हम उतना ज़्यादा एक्टिव फील नहीं करते। इवन कभी कभी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि सुगम जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसके 3-4 दिन बाद तक हम जो है एक्टिव फील नहीं करते हैं, ना ही एक्सरसाइज करने का मन करता है, ना ही डाइटिंग करने का मन करता है, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो स्पेशली आज ये इसी का वीडियो है कि किस तरह से फेस्टिवल के नेक्स्ट डे ही आप अपना डिटॉक्स जो है वो डे स्टार्ट कर दें। एक दिन का डिटॉक्स डे स्टार्ट करिए, उसके बाद देखिए बॉडी काफ़ी लाइट फील करेगी, पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और जो आपने खाया भी है फेस्टिवल वाले दिन वो बिल्कुल भी आपको बॉडी में लगेगा नहीं। तो एक तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पीना है, जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है। सेकंड चीज़, आपको आज डिटॉक्स डाइट लेनी है, डिटॉक्स सैलड लेना है, उसकी भी रेसिपी मैं कल या परसों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो आप कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक लेके आई हूँ कि किस तरह से अगर वो ड्रिंक आप लेंगे, और दिन में 3 बार लेना है। अभी ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम आधे घंटे बाद हो रहा है, उसके बाद लेना है, आपको लंच के बाद लेना है, डिनर के बाद लेना है, उसके बाद देखिए ये यानी कि 19 से आप कितने ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। जो भी आपने खाया है वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, बॉडी क्लीन होगी, पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा, स्टोमैक पूरी तरह से क्लीन होगा, आंतों में भी जो गंदगी जमा है वो भी निकलेंगी। तो काफ़ी अच्छा सा ड्रिंक है जो मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके साथ, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी अभी पूरा, क्योंकि प्री प्लान बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का। तो आज जैसे कि मैं डे डिसाइड कर रही थी कि मैं क्या पूरे दिन लेने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, तो ये माइंड में आया मेरे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। मैं जस्ट अभी किचन में ही थी, तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या लेने वाली हूँ। डिटॉक्स सैलड की रेसिपी भी कल या परसों में आएगी। अगर आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड ब्लॉग्स देखना है तो मेरा नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, इंडियन यूट्यूबर सुगम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाके चेकआउट करिएगा, बिकॉज हेयर केयर, स्किन केयर ब्लॉग्स, मैं अभी अपना रूम मेकओवर करने वाली हूँ उसका व्लॉग, बहुत सारी दिवाली की परचेजिंग करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इस पर सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 ग्लास नॉर्मल वाटर, गर्म नहीं लेना है, और इसके साथ ही चाहिए आपको इसबगोल, पैकेट बड़ा वाला रखिए, छोटा वाला लेके आप तो 10 रुपये का भी पैकेट आता है आप ले सकते हैं, और आपको इस तरह के टेबल स्पून में ये 4 टेबल स्पून आपको लेना है। तो मेरा जो है लंच हो, सॉरी ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो मैं ये लेने जा रही थी, तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो इसको आपको इसी तरह से पीना है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, तीनों टाइम 4-4 टेबल, यानी और सिर्फ एक ही दिन करिएगा, दूसरे दिन नहीं करिएगा, सिर्फ एक दिन ही आपको करना है, 3 बार दिन में, और देखिए कि नेक्स्ट डे आप कितना अच्छे से फील करोगे। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा और देखिएगा कितना ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, कितना ज़्यादा क्लीन होगी आपकी बॉडी, कितनी ज़्यादा मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि बॉडी क्लीन होगी तो मसल्स को ऑफकोर्स ही बात है रिलैक्स मिलेगा, आंतों की बहुत अच्छे से सफाई होगी। तो एक बार इसे ज़रूर लीजिएगा। देखा कि किस तरह से आपको ये ड्रिंक लेना है, साथ ही साथ 7 से 8 लीटर पानी पीना ही, सॉरी 7 से 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है, अगर 12 ग्लास पी लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, कोशिश 12 ग्लास की करिए, तब जाके कहीं आप 10 ग्लास पी सकते हैं, जैसे मेरी कोशिश 12 ग्लास की रहती है, तब मैं कहीं जाके 10 या 11 तक पहुँचती हूँ। तो इस तरह से आप करिए और वॉक करिए, हेल्दी रहिए,
हेल्दी रहे। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं सिर्फ हेल्दी रहने या फिगर मेंटेन करने का जो भी रिलेशन है वो सिर्फ हमारे सुंदर दिखने से है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपके स्वस्थ रहने से है। अगर आप वेट गेन नहीं करोगे तो आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नेक की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।